इशारे से समझने वाले बहुत थोड़ा देवता होते हैं ना, उनका निशानी क्या होगा? उनकी निशानी होगी जैसे ही ज्ञान में आवेंगे फट से पकड़ेंगे। उनका फाउंडेशन ही ऐसा होता है। ज्ञान का फाउंडेशन पढ़ते समय उनके साथ जास्ती घिस घिस नहीं करनी पड़ेगी, जो बोला है जो अपने कुल का होगा एक बात तो थोड़े में ही समझ जाएगा। तीन लोग के चित्र में जो शंकर को निराकारी दुनिया के नजदीक में दिखाया और त्रिमूर्ति चित्र में विष्णु को निराकार के नजदीक दिखाया, इसका ताल्लुक क्या? शंकर हो या विष्णु हो या ब्रह्मा हो या कोई भी देवताएं हो, जिनके चित्र बनाए जाते हैं वो संपूर्ण स्टेज के बनाए जाते हैं या अधूरी स्टेज के बनाए जाते हैं? है? संपूर्ण स्टेज के बनाए जाते हैं। शंकर का पार्टधारी आत्मा जो देवदेव महादेव कही जाती है वो राजयोग सीखने वाले राजा का पार्ट है। राजाओं में श्रेष्ठ राजा का पार्ट है या रानी का पार्ट है? और जो राजा बनने वाली आत्माएं हैं वो जास्ती पतित बनी है, उनको जास्ती ज्ञान उठाना पड़ता है और जास्ती पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। याद कर, परंतु एक है निराकारी स्टेज को जल्दी धारण करने वाले, क्योंकि अपन को आत्मा समझने में परफेक्ट है, और एक है जन्म जन्मांतर के देहभान में रहने वाले। जो रानी बनने वाली आत्माएं हैं जन्म जन्मांतर की, उनको देहभान ज्यादा होता है, देह का होना ज्यादा होता है, या राजा बनने वाली आत्माओं को देह का होना ज्यादा होता है? राजाएं तो मौत से भी नहीं डरते, रानियां तो रनिवास में पलती हैं, रहती हैं, हाँ कोई ऐसी मजबूरी आ जाती है जैसे विदेशियों का आक्रमण हुआ और हारने की संभावना हो जाती है, तो जन्म जन्मांतर की प्योरिटी की पावर होने के कारण वो संगठित रूप का जो बल मिलता है प्योरिटी का, उस वाइब्रेशन में धड़ाक से अग्नि की ज्वालाओं में अपने शरीर को नष्ट कर देती है। तो शंकर का रूप है संपन्न रूप, जिसके लिए बोला है जब तुम्हारी अव्यक्त स्टेज बन जाएगी तो तुम्हारी अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। अव्यक्त स्टेज माना
संपूर्ण निराकार स्टेज, सदाकाल की निराकार स्टेज। तो वो प्रैक्टिस करने में वो शंकर की आत्मा एक सेकंड में निराकारी, एक सेकंड में आकारी, एक सेकंड में साकारी बनने का पुरुषार्थ करने में सबसे क्षिप्र गति धारण करने वाली है। परंतु सारी मनुष्य सृष्टि के पिता का पार्ट है और वो पिता निराकारी स्टेज में तब तक नहीं जा सकता जब तक इस मनुष्य सृष्टि की एक एक आत्मा इस सृष्टि पर मौजूद है। इसलिए प्रजापिता को साकार कहें या निराकार कहें, साकार ही कहेंगे, उसे अंत तक साकारी रूप में पार्ट बजाना है। उस आत्मा में ये शक्ति है कि जब चाहे तब निराकारी स्टेज को धारण करे और क्षिप्र गति से, इतना क्षिप्र गति से धारण करे कि मनुष्य सृष्टि की सभी आत्माएं अपने शरीरों को छोड़ छोड़ करके सूक्ष्म वतन में स्थिर हो जाएंगी। जब परम धाम की दौड़ शुरू होगी तो सूक्ष्म वतन वाली आत्माएं सब पीछे रह जाएंगी और वो प्रजापिता की आत्मा निराकारी स्टेज में आगे निकल जाएगी। इसलिए दौड़ में शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर का ही नाम जोड़ा जाता है। बाकी रही पुरुषार्थी जीवन में पवित्रता को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने की बात, तो व्यर प्योर बाप को कौन से बच्चे प्रिय हैं? ज्ञानी बच्चे। नहीं, ज्ञानी तो आत्मा तो प्रिय है, जब ज्ञान मिल जाए तब ज्ञानी, और जब तक ज्ञान ना मिले तब तक पवित्र रहने वाले बच्चे प्रिय हैं या नहीं है? पवित्र आत्माएं भी प्रिय है। तो विष्णु की आत्मा अपने बेसिक जीवन से लेकर के एडवांस तक के जीवन तक सदा ही प्रैक्टिकल जीवन में पवित्रता को धारण करने वाली है। इसलिए वो सदैव ही नजदीक है। किसके नजदीक है? उस सुप्रीम सोल बाप के नजदीक है जिसके हाथ में साक्षात्कार की चाबी है। वो चाबी कोई बच्चे को नहीं देता। वो चाबी किसको बहलाने के लिए रखी हुई है? बच्चों को, उन पवित्र आत्माओं को बहलाने के लिए रखी हुई है वो चाबी। जब ज्ञान की बातें बुद्धि में न बैठती हो उस समय उनको साक्षात्कार करा के ये निश्चय बुद्धि बनाए देना कि हमारा नारी से लक्ष्मी बनने का पार्ट। इसलिए विष्णु पुरुषार्थी जीवन में सदैव ही खड़ा हुआ है। खड़ा हुआ माना और पड़ा हुआ माना, पड़ा हुआ माना पतित और खड़ा हुआ माना पावन। तो पावन पावन के ज्यादा नजदीक रहेंगे पुरुषार्थी जीवन में, या जो बार बार गिरता है और गिराता है? क्योंकि एक आत्मा तो है नहीं, उसे एक के पार्ट में कितनी आत्माएं विराजमान है?
सारी दुनिया, सारी दुनिया प्रवेश होने के हिसाब से पार्ट बजाने वाली कितनी आत्माएं विराजमान है? तीन आत्माएं विराजमान है, एक एवर प्योर भी है, परंतु जिसमें प्रवेश है उसका वो एवर इम्प्योर है। दुनिया की ज्यादा से ज्यादा मनुष्य आत्माओं के साथ संसर्ग संपर्क में रहने वाली आत्मा कौन है? राम वाली आत्मा। ये विशेषता बताई है कि नारायण बनने वाली आत्मा ऐसी होगी जो दुनिया के ऊंचते ऊंच पार्टधारियों से भी कनेक्शन जोड़ सके और नीचते नीच पार्ट बजाने वाले बैगर्स के भी साथ कनेक्शन जोड़ सके। तो वो आत्मा पुरुषार्थी जीवन में अंत तक प्रजापिता के रूप में पतित होने का पार्ट बजाने के लिए बंधी हुई है। जब तक बच्चे ऊंची स्टेज में न चले जाएं, कम से कम सूक्ष्म बतन की स्टेज में, तब तक उसे वो साकारी स्टेज का पार्ट बजाना है। इसलिए शंकर को बैठा हुआ दिखाते हैं और विष्णु को खड़ा हुआ दिखाते हैं। वो पुरुषार्थी जीवन में पवित्रता के पुरुषार्थ में जो पवित्रता के लिए पढ़ाई है उस पढ़ाई में सदैव ही खड़ा हुआ है। न ब्रह्मा खड़ा हुआ है और न पुरुषार्थी जीवन में शंकर खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है? विष्णु खड़ा हुआ है। इसलिए लोग कहते भी हैं और बात सच्ची भी है, ये दुनिया झूठ खंड बन गई, सारे ही झूठे हो गए, फिर ये दुनिया टिकी हुई कैसे है? अरे कुछ न कुछ सच्चाई है तभी तो टिकी हुई है, कोई न कोई प्योरिटी की पावर है जिसके आधार पर टिकी हुई। इसलिए रुद्रमाला के मणकों के लिए खास इशारा दिया, क्या क्या करो, तुम्हारे बस का रोग नहीं है, क्या करो, विजय माला का आवाहन करो, रानी मक्खी का आवाहन कर लिया तो सारा झाड़ सारा छत्ता अपने आप ही आ जाएगा। बाबा फिर वो संपन्न रूप है तो बाबा ये जो जो भी चित्र है सब भक्ति मार्ग के कहते हैं। भक्ति मार्ग में जो भी चित्र बनाए हुए हैं मंदिरों में, नहीं मंदिर का नहीं, ज्ञान में जो बनाए, ज्ञान में भी जो बनाए हुए हैं वो संपन्न स्टेज के हैं या अधूरी स्टेज के हैं? इन चित्रों को भी बदलना पड़े। मुरली में क्या बोला, त्रिमूर्ति का चित्र भी यथार्थ नहीं है तो बदलना पड़े माने तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का यथार्थ चित्र बनाना चाहिए। तो यथार्थ चित्र तीन तबकों में दिखाया हुआ भी है। तीन तबकों में भले विष्णु खड़ा हुआ है परंतु उसको निराकारी स्टेज के नजदीक नहीं कहेंगे। उस निराकारी स्टेज के नजदीक पहुंचने के लिए उसे तीसरे तबके से गुजरना जरूरी है। इसे इसलिए कहते हैं बिना ज्ञान के गति नहीं, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति,
मुक्ति तब ही मिल सकती है जब ज्ञान मिले। कोई कितना ही पवित्र क्यों न हो। और जब वो चित्र बदलना पड़ता है तो वो कैसा संपन्न कहा जाता है? अभी त्रिमूर्ति चित्र को भी बदलना पड़ता है बोलते हैं। बदलना पड़ेगा तो भी वो तीसरी मूर्ति ऊपर ही रहेगी। संपन्न कैसे करें? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, फिर लास्ट में विष्णु द्वारा पालना। तो क्रम बदल गया। वैष्णव देवी को कराना पड़ेगा। वो त्रिमूर्ति के बीच में जो विष्णु दिखाया है वहां वैष्णव देवी को दिखाना पड़ेगा। बीच में तो वैष्णव देवी है ही, लेकिन जिसको हम विष्णु देवता कहते हैं वो पुरुष रूप में दिखाया। वो आत्मा अकेली नहीं है। अकेली है क्या? उसमें जब तक ऐड न हो, एडिशन न हो, तब तक वो विष्णु नहीं कहा जाता। माना शंकर बीच में आना चाहिए। मन बुद्धि संस्कार बीच में शंकर आना चाहिए। यहाँ समझाने का सवाल है, वहाँ यही तरीका अच्छा है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा अधूरे ब्राह्मणों का विनाश, और फिर विष्णु के द्वारा जो न सजा खाने वाले बचे उनकी पाल। और ब्रह्मा को अभी अभी बाबा मुरली में कहा भक्ति का साक्षात्कार हुआ पश्चिम में, और ज्ञान मिला पूर्व में। तो भक्ति को फाउंडेशन कहा जाता है ना, इसलिए पहले साक्षात्कार होगा। हाँ जी, भक्ति है धरणी, माना भक्ति का फाउंडेशन है पश्चिम में, ज्ञान का फाउंडेशन है ज्ञान। बीज अपने में कुछ भी नहीं है, बीज हवा में लटका रहे पैदाइश ही नहीं होगी। और अभी जो मुरली में आया है ये बाबा के सामने वो मना शिव बाप ने कहा देवी फूल बनने वाले सामने है, तो सामने भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सामने बैठे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि सामने नहीं है, विमुख है, या तो विरोधी संकल्प चल रहे हैं या तो कहीं बाहर की दुनिया में बुद्धि भटक रही है। तो सन्मुख भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो अभी एडवांस में अभी जितनी आत्माएं हैं अभी इसमें एक आत्मा भी उस समय 68 में ब्रह्मा बाबा के सामने नहीं थे। क्यों नहीं थे? सामने नहीं बैठे थे। क्यों नहीं थे? ब्रह्मा बाबा के सामने नहीं होंगे तो मम्मा के सामने होंगे। जिस समय ये वाणी चला उस समय जो फूल बनने वाले हैं वो 84 जन्म लेने वाले हैं या कम जन्म लेने वाले हैं? पूरे 84 जन्म लेने वाले। फूल मलने वालों को दास दासी की लिस्ट में डालें
नहीं नहीं दास दासी नहीं है, फिर भी शिव बाप का सामने तो है ना, वो ब्रह्मा के द्वारा शिव बाप तो कोई बात बताई ना, सामने बैठे हुए हो और संकल्प विपरीत चल रहे हो, मन में राम बगल में छुरी, उस समय मिल जाए अकेले में तो खूबे चलाए, तो अंतर पड़ जाता है ना। उस समय में सामने रहते हुए भी उनका संकल्प अलग चलते रहता है। हड्डियों की भी परवाह न करे, हड्डियां टूट जाएंगी, गल जाएंगी, शरीर बर्बाद हो जाएगा, ऐसा सेवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ऐसी सेवा नहीं कर सकते, कैसे कर सकते? अरे बाबा ने तो बोला है बूढ़ियों को भी पंख लग जाएंगे, लेकिन बूढ़िया भी जब ईश्वरीय सेवा में लग जाएंगी तो उनको भी पंख लग जाएंगे, उड़ेंगी पुरुषार्थ में, मन बुद्धि से उड़ेंगे, शरीर तो मन तन मन तन और धन स्वाहा नहीं करेंगी, स्वाहा तो करेंगे, जब स्वाहा जब तन स्वाहा ही नहीं करेंगी तो लग कैसे जावेंगी। वो तो बेसिक की बात हुई, उस समय कोई जयपुर का बड़ा आदमी आया होगा, बड़ा नेता निकला होगा, नालिश में मोहित हो गया, लेकिन बोलने वाला था, स्पीकर था, माइक था, लेकिन माइट नहीं था, माइट माने योग की पावर नहीं थी। जो योग की पावर वाला भी हो और माइक भी हो उससे काम सहज संपन्न हो जाए। दो हजार आठ में कृष्ण को तो नीचे हो जाएंगे, 2008 में कृष्ण को नीचे हो जाएंगे, 2008 में कृष्ण को नीचे हो जाएगा, गीता का भगवान शिव सिंह बोले ना, 2008 में आपके पढ़ने में गलती तो नहीं हो गई है, दोबारा पढ़ लेना। जबलपुर में माने 81वां जन्म जब होता है या 82वां जन्म होता है उनमें पूर्व जन्मों का हिसाब किताब नहीं चलता है, चलता है या नहीं चलता है? चलता है। हिसाब ये है कि जो कर्म तीव्र गति से किए जाते हैं, तीव्र संकल्प धारण करके किए जाते हैं, वो जल्दी फल देते हैं, इसी जन्म में भी फल दे सकते हैं। जैसे कोई डकैत हत्यारे होते हैं, हत्याओं के ऊपर हत्याएं करते जाते हैं, आखिरी उनका उसी जन्म में क्या अंजाम होता है, है? पकड़ लिए जाते हैं और उनको फांसी पर चढ़ाई दिया जाता है। तो जो कर्म तीव्र इच्छा शक्ति से किए जाते हैं, तीव्रता से किए जाते हैं, वो जल्दी फल देते हैं, और जो धीमी गति से किए जाते हैं वो उतने ही लंबे समय के बाद फल देते हैं। उनको कैसे पूर्व जन्मों का पता चलता है?
पता आता नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक खेल बना हुआ है। ज्ञान में नहीं आते, ज्ञान में आने के बाद ही क्या हिसाब किताब होता है? ज्ञान में आने से पहले हिसाब किताब कर्मों का नहीं होता है क्या? पता पड़ने की क्या जरूरत है? पिछले जन्मों में जो हिसाब किताब कर्मों का होता रहा, कोई गरीब घर में जन्म लिया, ये हिसाब किताब हुआ ना, तो ये जानना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है क्या? नहीं, ऑटोमेटिक खेल बना हुआ है। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा। बाबा मुरली में कहा भी है ना, जन्म और मरण के समय में वही बातें इकट्ठी हो जाती हैं बुद्धि में, जो सारा जीवन चलता रहा है। डिस्कशन में बाबा ने ऐसे बताया 9,16,108 जब तक नहीं बनता है तब तक विनाश नहीं होता है। क्या राजाएं भी तैयार होते जाएंगे, राजाओं के साथ साथ उनकी प्रजा भी तैयार होती जाएंगे, जब तक राजा ही तैयार नहीं हुआ है, संपन्न स्टेज में नहीं पहुंचा है, तो उसकी सारी प्रजा कैसे संपन्न स्टेज में जाएगी? तो विनाश तो तब तो 2036 प्लस 150 ईयर्स, तो तब विनाश होगा क्या? होगा ना, 2036 में विनाश भी होगा। नहीं जो अभी अंत में होता है कभी, वो सत्युग के अंत में होता है, सत्युग का पहला जन्म है ना, तब का बात है 9,16,108 यहाँ संपन्न बनने हैं, या सत्युग का पहला जन्म शुरू होगा तब संपन्न बनेंगे, यही संपन्न बनेंगे, उनके संपन्न होने के साथ साथ विनाश भी जुड़ा हुआ। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश की घोषणा पहले पहले कौन से सन की गई मुरली में? 76 की। तो 76 में कोई आत्मा संपन्न बीज रूप स्टेज में पहुंची होगी या नहीं हो? कोई बेसिकली जो पहले पहले पहुंचती है तो विनाश भी ब्राह्मणों की दुनिया में शुरू हो जाता है। इसके लिए इशारा भी दे दिया सन 73-74 की अव्यक्तवाणी में, ब्राह्मणों की दुनिया में कुछ ब्राह्मण घबरा रहे थे बड़े बड़े महारथियों की नीची ऊंची चलन देख करके, बाबा ने उनको आश्वस्त किया घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए कोई भी व्यक्त तन के द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे। तो व्यक्त तन वो उस स्टेज पर पहुंचता है, एक तरफ निराकारी स्टेज शुरू होती है और दूसरी तरफ ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश भी शुरू हो जाता है। पुराने संगठन का विनाश और नए संगठन का स्थापना। सत्युग में जो भी होता है उसको सूर्यवंशी कहा जाता है। तो जो सूर्यवंशी जो पहला जन्म लेता है ना उसको ही सूर्यवंशी कहा जाता है। जो आत्माएं दूसरे जन्म में उतरेंगी वो पूरी 16 कला संपूर्ण होंगी या कम कलाओं वाली होंगी? तो उनका पुरुषार्थ कम कलाओं वाला है। तो नहीं, जो ऊपर से आत्माएं उतरती हैं वो ज्यादा तादाद वाली होती हैं नीचे वाली आत्माओं के मुकाबले, या कम तादाद वाली होती है? ज्यादा तादाद वाली होती है। तो उनके संग का रंग नहीं लगेगा? लगेगा, लेकिन वहां थोड़ी कहा जाता है कि ये इस्लाम वंशी आत्माएं उतरे, फिर भी तो सात्विक है ना, वो सब सूर्यवंशी ही रहेंगे त्रेता के आदि तक, वो हाँ त्रेता के आदि जन्म तक। दो कलाओं से जब जास्ती कलाएं सृष्टि में नीची होने लगे
तब कहेंगे त्रेता की शुरुआत। तब तक सत्यु की सूर्यवंशी ही कहे जाएंगे। भक्ति संपूर्ण होने का बाद मैं आता हूँ, ये पॉइंट मुरली में है। भक्ति संपूर्ण होने का बाद मैं आता हूँ, ये मुरली पॉइंट है। इसका अर्थ क्या है? कोई आत्मा होगी ऐसी कि जिसने यज्ञ के आदि, वो भक्ति मार्ग की आदि से ही, द्वापर के आदि से ही सत्व प्रधान भक्ति सबसे जास्ती की होगी। जो सबसे जास्ती सत्व प्रधान भक्ति करेगा उसकी भक्ति पहले पूरी होगी, या जो कम करेगा उसकी भक्ति पूरी होगी? उसकी भक्ति पहले पूरी हो जाती। भक्ति पूरी होती है तो भगवान मिलता है। अलग को मिला अल्लाह, बे को मिली बात सही। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए थे या ब्रह्मा बाबू को ज्ञान मिला था? भगवान भगवान आता है तो भगवान से ज्ञान मिलता है या भक्ति के साक्षात्कार मिलता है? भक्ति का साक्षात्कार मिलता है। भक्ति और भक्ति भी था उधर, ज्ञान भी था ना। ज्ञान किसको मिला और भक्ति का फाउंडेशन किसको मिला? तो ज्ञान किसको मिला? सुप्रीम सोल आया संपूर्ण होने का बाद आऊंगा। आपकी बात पूरी हो गई। सुप्रीम सोल जब आया तो सुप्रीम सोल आया वो किस लिए आया, उसके आने का मकसद क्या है? ब्रह्मा को निश्चय बिठाने के लिए साक्षात्कार करता है। उसका आने का मकसद है ज्ञान देकर पतितों को संघ के रंग से पावन बनाना, और यज्ञ के आदि से ही ये धोबीघाट शुरू हो गया। ये बात ब्रह्मा की बुद्धि में बैठी, ब्रह्मा के फॉलोअर्स की बुद्धि में बैठी, या जो यज्ञ छोड़ करके चले गए उनकी बुद्धि में बैठी? ज्ञान ही बुद्धि में नहीं बैठा, उनको भक्त कहेंगे या ज्ञानी कहेंगे? अगर ज्ञानी थे तो सन 47 के बाद संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय क्यों पड़ा, क्यों डाला गया? प्रजापिता शब्द ऐड क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बाप को भूल गए। जो ज्ञान का बीजारोपण करने वाला बाप था वो ही भूल गया। ये पॉइंट जो है भक्ति पर संपूर्ण होने के बाद मैं आता हूँ, प्रजापिता प्रजापिता को अन्वय क्यों होता है ना? हाँ जी, अर्जा क्या है? ब्रह्मा के लिए समझ, ब्रह्मा तो समझ ही नहीं पाए अपने साक्षात्कारों को। अपने गुरुओं से पूछते रहे, बाणारसी में आकर के पूछते रहे, तो भक्त थे या ज्ञानी थे? भक्त थे। पहले वो भाई ने ब्रह्मा के लिए समझ लिया। वो तो सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी पहले समझते हैं। क्या वंश का कौन? अंश और वंश। जैसे समंदर में से, सागर में से एक चुल्लू पानी उठा लिया जाए वो सागर का अंश है। माना सागर में अगर खारापन है तो चुल्लू पानी में भी खारापन होगा। वो हुआ सागर का अंश। चुल्लू पानी को सागर में फेंक दिया जाए तो अंश
उसमें विलुप्त हो गया, वो वापस नहीं आ सकता। और हम तो परमात्मा बाप के वंश हैं, और वंश साकार से शुरू होता है या निराकार से शुरू होता है? साकार से शुरू होता है। कोई पहलौटी का बच्चा होता है, उसमें ज्यादा पवित्रता की पावर होती है लंबे टाइम की। कोई बाद में पैदा होने वाले बच्चे होते हैं, जबकि प्योरिटी की पावर बहुत कुछ छीण हो जाती है तो अंतर पड़ जाता है। सदगति तो होती ही सतो प्रधान, सात्विकता का अंश जास्ती होता है तभी सदगति होती है। नहीं तो तमो प्रधान होने की वजह से दुर्गति हो जाती है। दुर माने खराब, दुष्ट, और गति माने चाल। दुष्ट चाल होती है तो आत्मा का पतन होता है, आत्मा मिट्टी की ओर जाती है। पांच तत्व याद आते हैं। आत्मा की सच्ची गति होती है तो मिट्टी और पांच तत्वों से परे होती जाती है। पांच तत्वों का आकर्षण सतो प्रधान आत्मा को खींच नहीं सकता। सूर्य नारायण का कब होता है? सूर्य नारायण का नाम कब पड़ता है? सूर्य नारायण नाम कब पड़ता है? कब का है सूर्य नारायण नाम? कब पड़ता है सूर्य का नाम? सूर्य लक्ष्मी क्यों नहीं पड़ता है? सूर्य लक्ष्मी नहीं पड़ता? हमारे क्लास में तो सूर्य लक्ष्मी भी है। सत्य लक्ष्मी भी नाम होता है, सूर्य लक्ष्मी भी नाम होता है, लेकिन विशेष गायन है सत्य नारायण का, क्योंकि विशेष पुरुषार्थ किया है। सच्चाई को उजागर करने के लिए किससे मुकाबला करना पड़ता है? झूठ से मुकाबला करना पड़ता है। लक्ष्मी ने इतना मुकाबला नहीं किया है अंधेरे से, झूठ से लड़ाई लड़ने का, जितना नारायण ने मुकाबला किया है। सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ हो जाती है। यज्ञ के आदि में भी ऐसे हुआ था। उस समय भी लड़ाई का मूल कारण क्या था? पवित्रता और अपवित्रता की परिभाषा बुद्धि में नहीं बैठी थी। आदि में भी धोबी घाट चलता था, परंतु जिनकी बुद्धि में नहीं बैठा उन्होंने विरोध किया, और जब बहुतों ने विरोध किया तो जहां ज्यादा हुजूम जाता है पीछे पीछे दूसरे भी चल पड़ते हैं, उनकी बुद्धि भी फेल हो जाती है। चाहे वो सप्तदेवों की लिस्ट में ही क्यों ना हो, वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं संघौ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संगठन की शक्ति काम करती है। सारी दुनिया का संगठन जब एक तरफ जा रहा है तो अच्छी अच्छी पावरफुल आत्माएं भी उधर मुड़ जाती है, लेकिन एक आत्मा डटी रहती है।
इसलिए सत्यनारायण कहा जाता है, सूर्य नारायण कहा जाता है। सत्यनारायण की कथा घर घर में गाई जाती है, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई जाती। जन्म में होता है जो पुरुष रहे और पुरुष की इंद्रियों का पुरुष पने में दुरुपयोग किया और इतना जास्ती दुरुपयोग किया कि उनको अगले जन्म में स्त्री जन्म मिलता ही नहीं, पुरुष जन्म भी नहीं मिलता। अगर मिल भी जाए तो कोई न कोई वाकया ऐसा होता है कि उनका अपहरण कोई कर ले और जबरदस्ती कर दे, स्त्री से पुरुष भी बन जाते हैं, अभी भी बन रहे हैं। उनको में संस्कार पुरुषपने के इतने जास्ती बढ़ जाते हैं कि इसी जन्म में वो स्त्री से पुरुष बन जाते हैं। और कोई पुरुष से स्त्री बन जाते हैं, हार्मोन सी चेंज हो जाते हैं संकल्पों के आधार पर। उनका जीवन बहुत दुखदायक बन गया। उनको महाभारत की भाषा में कहा गया है शिखंडी, क्या शिखंडी, कभी स्त्री का पार्ट बजाया तो कभी पुरुष का पार्ट बजाया, कभी स्त्री भी नहीं तो पुरुष भी नहीं, सब संस्कारों की बात है। कैसे पुरुष जन्म या स्त्री जन्म को सुप्त रीति बीत सकते हैं? कैसे बीत सकते हैं? क्या हो सकता है? स्त्री भी नहीं बनती, ऐसा कर्म क्या है? बताया तो कोई पूर्व जन्म में स्त्री था और स्त्री जन्म लेकर के उसने स्त्री चोले का दुरुपयोग किया और अति का दुरुपयोग किया तो उसको स्त्री चोला तो नहीं मिलेगा, मिलेगा स्त्री चोले से वो सुख भोगने का अधिकारी बनेगा नहीं बनेगा? पुरुष चोला मिला और उस पुरुष चोले का जन्म लेकर के भी उस पुरुष चोले का इतना दुरुपयोग किया, इतना दुरुपयोग किया कि अगले जन्म में न स्त्री न पुरुष बना। ऐसे यहाँ रुद्रमाला में बहुत बनने वाले हैं, हंसी के पात्र बन जावेंगे। दुनिया में जो कहीं नहीं होता हो वो यहां देखने को मिलेगा। दुनिया के लोग अचरज खाएंगे, अरे स्त्री जाति स्त्री जात से पति पत्नी का संबंध जोड़े, पति पत्नी की एक्ट करे, दुनिया के लोग वंडर खावेंगे कि नहीं? वंडर खावेंगे। और यहां ऐसा बहुत होता है, कितने हंसी के पात्र बनेंगे संसार में, उतना पतित बन जाते, इतने पतित बन जाते हैं।
समझाने से भी उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। ज्यादा जोर दिया जाए तो आत्महत्या करने के लिए तैयार। अभी बाबा ने त्रिमूर्तियों के बारे में बताने के टाइम पे जो सजा नया नहीं खाने वाला देवताएं हैं उसका पालना विष्णु देवता करके बाबा ने बताया। तो आटी बिना सजा खाते हैं ना, आटी अष्टदेवी बिना सजा खाई जाता है, उन्हीं का पालना होता है क्या? जिनमें ज्ञान होगा वो ज्ञान को धारण करेंगे, या जिनमें ज्ञान ही नहीं होगा वो ज्ञान को धारण करेंगे? ज्ञान है वो ही धारण करेंगे। तो सूर्यवंशी ज्यादा ज्ञान को धारण करेंगे या चंद्रवंशी भी ज्ञान को ज्यादा धारण करेंगे? राधा है चंद्रवंशी, राधा का तो बहुत ऊंच पद है। फिर अष्टदेवों की लिस्ट में विष्णु का जो पार्टधारी है वो नहीं आता। अब ब्रह्मा के पार्टधारी और उसके फॉलोअर्स के आने की तो बात ही नहीं। तीन तबकों के देवताएं हैं, उनमें जो अष्टदेव निकलेंगे वो ज्ञानी तो आत्मा कुल के निकलेंगे या दूसरों में से निकलेंगे? ज्ञानी तो आत्मा कुल तीन देवताओं में से कौन सा है? ब्रह्मा को ज्ञानी तो आत्मा कहे, जो जन्म जन्मांतर रानी बनती है, जो राजयोगी जीवन का लक्ष्य ही नहीं है। मैं क्या बनाने आता हूं? राजाओं का राजा बनाने आता हूं, ये नहीं कहा रानियों की रानी महारानी बनाने आता हूं। वो बकरी का कुल है, एक घोड़े का कुल है, एक शेरों का कुल है। तो अष्टदेव कहां से निकलेंगे? शेरों के कुल से ही निकलने चाहिए, जो आदि के जन्म से लेकर के अंतिम जन्म तक संघर्ष करते रहे, बाप के साथ सहयोगी बनकर के रहे। बाकी तो थोड़े से मुकाबले की बात आ जाती है और फटाक से कन्वर्ट हो जाते हैं, सहज रास्ता अपना लेते हैं। तो मैंने शेर के कुल वालों को विष्णु देवता पालना नहीं देंगे? पालना क्यों नहीं देंगे? पालना तो उन्हें तब लेनी पड़े जब वो रानी की पालना करने वाले खुद न हो। विष्णु देवी का जो पद बनता है वो राजा बनने वाली आत्माओं के ऐड होने से पहले बन सकता है क्या? बाद में ही बनेगा। तो मरा उसी से उनसे भी इसलिए ज्ञान को ही सर्वे ऊपर रखना पड़ता है। ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, रिते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं हो सकती। माना शिव बाप को पवित्रता से भी ज्ञान ही मुख्य है, क्योंकि पवित्र तो सन्यासी भी होते हैं जन्म जन्मांतर के, उनमें पवित्रता के संस्कार तो हैं, इसलिए इतना उनको मान मिल जाता है यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कि जब तक वो सन्यासी नहीं निकलेंगे तब तक तुम बच्चों की विजय नहीं होगी। जब सन्यासियों का तबक्का निकलने लगेगा तो समझो तुम बच्चों की विजय होगी। अच्छा, और भक्तात्मा पहले आ जाती है? वैष्णो देवी पहले आ जाती है ज्ञान में? ये कहां से ज्ञान ले लिया?
आजकल के दुनिया में क्रिश्चियंस लोग होते हैं ना, उसका प्रार्थना चलने का समय वो रंगमंच में कोई कोई बीमारी लोग खड़े बीमारी लोग आते ही स्टेज का ऊपर उसको एक सेकंड में अच्छा हो जाता है, वो पैसा बहुत जादू है उधर चाहिए। मैंने हिंदुओं में ऐसे साधु सन्यासी नहीं हुए, क्रिश्चियंस में ही आपको ज्यादा दिखाई पड़े माना हिंदुओं में ऐसे साधु सन्यासी नहीं हुए हैं योगी, हिंदुओं में तो नहीं, हिंदुओं में तो है लेकिन क्रिश्चियंस ने हमको ज्यादा दिमाग में प्रभावित कर दिया, ये क्या बात हुई? नहीं वो सच है, वो झूठ है बाबा, एक सेकंड में ठीक हो जाएगा ना बाबा। एक सेकंड में स्वर्ग बना देते हैं? नहीं बना, फिर लेकिन व्याधि से मुक्त हो जाते हैं उनकी अल्पता। साधु संत महात्माओं के पास ही, क्रिश्चियंस के जो पादरी है उनके पास ही, गिरजाघरों में ही लोग जाने लगे, फिर ये हॉस्पिटलों में क्यों चक्कर लगाते हैं? हॉस्पिटल क्यों इतने खुल रहे हैं? इन दवाइयों की क्या जरूरत है? अरे पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब होता है तो वो ठीक हो जाते हैं, मुर्दा को कोई नहीं भी ठीक होते हैं और कोई ठीक भी हो जाते हैं, मुर्दा को भी जिंदा बना देते हैं मुर्दा को। कभी ऐसा हो भी जाता है कि आत्मा थोड़े समय के लिए गायब हो जाती है शरीर से और फिर आ जाती है, वो भी उसके पूर्वजन्मों के हिसाब के अनुसार, कोई दवाई नहीं काम करती है, पूर्वजन्मों का हिसाब किताब काम करता है, नहीं तो सब सब मुर्दों को जिंदा करो। और यहाँ तो भगवान बाप आकर के सब मुर्दों को जिंदा करते हैं। अब क्रिश्चियन लोग भी इस बात को मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं कि कयामत के समय में खुदा ने आकर के मुर्दों को जगाया, तो उनकी बात माने ज्यादा श्रेष्ठ क्या भगवान बाप को माने? भगवान बाप, हाँ जी, लेकिन अंत में नारायण का स्वरूप को याद करने का अच्छा तरीका है, नारायण का स्वरूप को याद करने का अच्छा तरीका है, और राम वाली आत्मा ही नारायण बनता है, ठीक है, अगर ऐसे क्यों नहीं बोला बताया राम को याद करो? हाँ नारायण इसलिए बताया कि नारायण नारायण तब बनता है जब उसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, पहला पत्ता, वो जब तक प्रवेश करके संपन्न न बने तब तक नारायण नारायण नहीं बनता है, लेकिन जो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है वो नारायण राज्य स्थापन करने वाला नहीं है, उसका जो जन्म देने वाला बाप है वो आत्मा ही राम राज्य स्थापन करने वाली है, इसलिए जो पहला नारायण बनता है वो ही पहला राम बनता है, जो दूसरे नंबर का नारायण बनेगा वो दूसरे नंबर का राम बनेगा, इसलिए मुरली में बोला है जो नारायण बनते हैं वो फिर त्रेता में राम सीता भी बनेंगे। वो ठीक है बाबा, तो राम राज्य करके क्यों गायन आता है? ये इसलिए गायन आता है कि जो क्षत्रिय है वो ज्यादा पुरुषार्थी होते हैं, ब्राह्मणों में उतना पुरुषार्थ करने की ताकत नहीं होती है, ब्राह्मणों में सामना करने की उतनी शक्ति नहीं होती है, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, परंतु राक्षसों से मुकाबला करने की उनकी ताकत नहीं होती है, जो क्षत्रिय वर्ण की आत्माएं हैं भारतवर्ष की वो ही विधर्मियों से मुकाबला करती है, इसलिए राम का ये गायन है कि राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, वो आत्मा ऐसी पार्ट बजाने वाली आत्मा है जो ऑलराउंड पार्ट बजाने के कारण उसमें सब प्रकार का एक्सपीरियंस भरा हुआ है, बच्चा बुद्धि कृष्ण की आत्मा में वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो अनुभव ही नहीं है अनेक जन्मों का,
भले चंद्रगुप्त राजा बनेगा तो भी किसके अधीन रहेगा? चाणक्य के अधीन रहना पड़ेगा। इसलिए राजाई जो है वो राम की आत्मा के द्वारा ही गाई जाती है, राम बाप को कहा जाता है। राम को याद करो, क्यों नहीं बताया? नारायण का स्वरूप याद करो। हाँ, राम को जो नारायण है वही तो राम है, वही तो राम है। हाँ, बोलने का तरीका है ना, नारायण का स्वरूप क्योंकि शास्त्र को इसलिए नहीं बोला कि शास्त्रों में जिस राम की बात की है वो त्रेतायुगी राम की बात कर दी, नहीं तो फेलियर राम को सबको याद करने लग पड़ेंगे। उस फेलियर राम को याद करने की बात नहीं है, वही राम वाली आत्मा जब पास हो करके फाइनल एग्जाम में नारायण बन जाती है नरसिंह, उसका गायन है। और ऐसे नहीं है कि जब नारायण बनता है तभी राज्य स्थापन होता है, उससे पहले राज्य स्थापन नहीं होता है क्या ब्राह्मणों की दुनिया में? फिर फाउंडेशन तो पहले से ही लगता होगा ना, तो फाउंडेशन डालने का निमित्त कौन बना? राम वाली आत्मा। इसलिए गांधी जी भले चिल्लाते रहे जीवन भर राम राज्य आएगा राम राज्य आएगा, लेकिन राम राज्य कर नहीं सकते। राम राज्य कौन स्थापन करेगा? राम वाली आत्मा ही राम राज्य स्थापन कर सकती है। कहाँ से 2000 चलेगा? क्रिश्चियंस तो आते ही है 500 साल के बाद। इस्लामियों के कह सकते हैं, मगर देवतायुग भी सत्युग में 2000 साल ही राज करता है ना। देवतायुग भी उनका राज्य तो 2000 साल का है। किसका? देवता ये भी सत्य त्रेता में 2500 साल चलाता है राज्य, और इस्लामी भी 2500 साल चलाता है। तो फिर वो मायावी शक्ति है, वो सर्वशक्तिमान बाप की शक्ति है, वो विभिचारियों की शक्ति है, देहाभिमानियों की शक्ति है, वो निराकार राम की शक्ति है, आत्माभिमानियों की शक्ति है, वो माया भी शक्ति है, वो राम की शक्ति है। दोनों बराबर टक्कर की नहीं है क्या? हैं? तो बराबर राज्य होना चाहिए ना दोनों का। राम का राज्य भी 2500 साल और रावण का राज्य भी 2500 साल। हाँ, फिर भी देवता आत्माओं को सुख तो ज्यादा मिलता है ना। सुख कहा है ना? तो मना किसने किया कि सुप्रीम सोल बाप से पढ़ाई न पढ़ो? पढ़ने वाले को अहंकार त्याग करना पड़े ना। फिर दुर्योधन जाके सर के ऊपर बैठ जाएगा तो पढ़ाई कहां से पढ़ेगा? देहंकारियों का देहंकार टूटता ही नहीं, इसमें भगवान बाप की क्या गलती? विचारी माना पति तो होने की शक्ति, क्या पतन में ले जाने की शक्ति, और अब विचारी माना पावन होने की पावर, आप भी विचारी बनने की पावर। दोनों शक्तियां तो बराबर ही बराबर हैं, लेकिन जब युद्ध होता है तो लंबे समय तक भल राम की हार होती रहे, राम संप्रदाय की भी हार होती रहे, लेकिन जो आत्माएं अंत तक हिम्मत नहीं हारती, जैसे साइकिल पर सवारी करने वाला सीखने वाला बार बार गिरता है और बार बार चढ़ के बैठ जाता है, आखिरी साइकिल सीख करके ही मानता है। तो ऐसे ही जो भगवान बाप के बच्चे हैं
बार बार पतित बनते हैं, बार बार गोचा खाते हैं, लेकिन हिम्मत हिम्मत नहीं हारते। युधिष्ठिर के बच्चे हैं। देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि। देह भले चली जाए ब्रह्मा की तरह, लेकिन कार्य फिर भी नहीं पूरा करके छोड़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान का क्या गायन है? हार नहीं मानी, अंधा कर दिया तो भी हार नहीं मानी। क्या किया आखिरी? मार के मरा। कभी कभी ऐसा भी होता है, हुआ है युद्धों में, इतनी इच्छा शक्ति तीव्र होती है कि गर्दन कट गई, फिर भी तलवार लेकर के उसी ठिकाने पर जाकर के उसकी गर्दन उतार दी, तब गिर गए। महादेव का तो नीचे नीचे के चक्कर में नहीं आता, मगर वो 84 जन्म कैसे रहे? जो जिस समय का गायन है उसी समय की बात होनी चाहिए ना। सतयुग की शूटिंग में नहीं हुआ क्या? वो 84 का चक्कर सतयुग की शूटिंग में पूरा करता है या नहीं करता है? तो जो पहले ही अपना 84 का चक्र पूरा कर चुका है शूटिंग काल में, उसको बार बार करने की दरकार है क्या? सिर्फ पार्ट बजाता है। और 76 तक उनका निश्चय निश्चय 100 साल ब्रह्मा की आयु पूरी हो गई। कौन सी ब्रह्मा की? प्रजापिता ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी हो गई। वो आत्मा का अंतिम जन्म 84 का चक्र ही पूरा हो गया। ब्रह्मा मृत्यु लोक में खलास हो जाता है, तो कौन से लोक में होगा फिर? बात अमर लोक में आ जाते हैं। आपका बच्चा होने के बाद कभी कभी डरना, भयभीत होना, ऐसा तो होता है बाबा? शेर का बच्चा तो नहीं। भयभीत आत्मा होती है या भयभीत देह अभिमानी होता है? तो बाप का बच्चा बना? बाप तो कहते मैं आत्माओं से बात करता हूँ, उसको भय पैदा हो रहा है घड़ी घड़ी, डर पैदा हो रहा है, तो देह के लिए डर होता है या आत्मा के लिए डर होता है? आत्मा तो अविनाशी है, जो अविनाशी चीज है उसका डर काहे का? आत्मा खलास हो जाएगी क्या? फिर कौन खलास हो जाएगा? किसका डर है? देह खलास हो जाएगी। तो देह में ममत्व तो है, तब तो डर है बाबा। संजीवन पर्वत बोले ना है? संजीवनी पर्वत, संजीवनी बूटी है जो पहाड़ पर पैदा होती है। युद्ध में मर जाते थे वो टाइम में, पहले संजीवनी कितने जन को माफ किया? मौत को बचा लेता है। तो संजीवनी बूटी जो है उसके लिए शास्त्रों में गायन है कि पहाड़ पर पैदा होती है। पहाड़ पर, पहाड़ का मतलब ये नहीं कोई पहाड़ पर पैदा होती है, ये वर्तमान संगम युग की ये बात है। जो ऊंची स्टेज में रहते हैं, मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज में उड़ते रहते हैं, उड़ने का जिनका स्वभाव संस्कार है, वो ही उस संजीवनी बूटी को धारण कर पाते हैं, और धारण करके जो मरे हुए हैं उनको जिंदा कर देते हैं। गोवर्धन पर एक उंगली में उठाया कर को, गोवर्धन पहाड़ जो उठाया, उस गोवर्धन का नाम गोवर्धन क्यों रखा गया? गौ माने क्या? गौ माने कन्याएं माताएं। वर्धन माने क्या? बढ़ोतरी करना। कन्याओं माताओं के संगठन की इतनी बढ़ोतरी करना कि उनकी संख्या ही 16108 हो जाए। जब तक वो 16108 का संगठन तैयार न हो जाए, तब तक उनकी पालना करने वाली जो उंगली है उसका नाम
गोवर्धन पहाड़ को धारण करने वाली कनिष्ठिका उंगली। कनिष्ठिका माने, कनिष्ठ माने क्या होता है? कमजोर, कम ताकत वाली। जो भी रुद्रमाला के मणके हैं 108, उनमें सबसे लास्ट मणका कौन सा है? जगदम्बा। नैया हिलेगी ढुलेगी ऐसा पीपल का पत्ता है लेकिन डूबेगी नहीं। पहला पत्ता हम पहले की बात नहीं कर रहे, वो तो पावरफुल है। हम उस पत्ते की बात कर रहे हैं जो हल्की फुल्की नवैया बनता है। इतनी हल्की फुल्की कि थोड़ा भी झोंका आता है माया का और जो जोर से हिलने लग पड़ता है। ऐसा कौन सा पत्ता है? अरे कोई पेड़ों में कोई ऐसा पेड़ है जिसका पत्ता थोड़ी सी हवा के झोंके से जोर से हिलता है? पीपल पात सरिस मन डोला। ऐसे हल्के फुल्के पत्ते की नवैया है शरीर रूपी नवैया। जो शरीर रूपी नवैया विषय सागर में पड़ी हुई है जैसे बांधेली माताएं कहां पड़ी हुई है? विषय सागर में पड़ी हुई है। कोई नहीं कहता है कि इनके जिंदा रहने की संभावना है, फिर भी बाप क्या कहते हैं? नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि कृष्ण जैसी आत्मा उस पर विराजमान है और परमात्मा बाप स्वयं खिवैया के रूप में उस नवैया को खोने वाला है। आया समझ में? क्या आपकी बात का जवाब समझ में आ गया? कैसे बाबा? सुनना समझना धारणा करना समझाना ये बात तो ठीक है, लेकिन बहुत अनपढ़ बूढ़ी माता ये तो समझते नहीं ना। ध्यान सुनने से हमको तो पता नहीं पड़ता तो भगवान इतना बस कुछ भी हम समझते नहीं बोलते। बाप के लिए, बाप की दृष्टि में बच्चों का सबसे बड़ा गुण कौन सा समझ में आ जाता है जो बाप पसंद करता है? बाप की पहचान। वो बूढ़ी माता वो आ गई और बड़े बड़े ज्ञानियों से ज्यादा आ जाती है जो अंत तक मजबूत बन के रहती है। ये प्रूफ है कि जिसको बाप की पहचान बुद्धि में पकड़ में आ गई वो कुछ भी न जानता हो ज्ञान का काखा गा भी बुद्धि में ठीक से न बैठता हो न सुना सकता हो, लेकिन याद करते करते जैसे पूरी घी में डाली जाती है नीचे बैठी रहती है और जब पकती है तो ऊपर आ जाती है। ऐसे ही उनकी बूढ़ी माताओं की याद की यात्रा की स्टेज जब पक जावेगी तो खट से ऐसी ऊंची स्टेज में आ जावेगी कि सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में टपक पड़ेगा। ऐसा वालों को ये चार चित्र का समझाना वो नहीं दरकार नहीं। ये चित्र उनको समझाए जाते हैं जिन्हें बाप का परिचय बुद्धि में नहीं बैठा है। जिनकी बुद्धि ने बाप को पकड़ लिया उनको चित्रों इत्रों में समझाने की क्या दरकार है? चित्र बिना चित्र से बाप का पैसा देने से काफी है। एक कौन सा सब्जेक्ट है जो एक सब्जेक्ट ही चारों सब्जेक्ट में पास करा देता है? धारणा में 100% है, ज्ञानी 100% है, सर्वसेवल 100% है, लेकिन याद अगर बुद्धि में पूरी नहीं है, सच्ची याद का फाउंडेशन नहीं है तो फेल कहा जाएगा या पास कहा जाएगा? फेल। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है याद। जब याद के बल से विश्व की बादशाही मिल सकती है तो
और बातों के पीछे इतना माथा मारने की भी क्या दरकार है? जो ज्ञानी होते हैं उनको ज्ञान का अहंकार चढ़ जाने का डर रहता है। जो सेवा सर्वसेवन बहुत होते हैं उनको भी सेवा का अहंकार चढ़ जाता है। अनुभव नहीं है? तो अनुभव नहीं किया ना बाबू। नहीं किया? चलो आगे कर लेंगे। बाबा सर्विस से बच्चों को बात याद करते हैं, याद करते हैं, लेकिन वो कैसे पता पड़ेगा? याद की अवस्था बहुत अच्छी रहती है तो जरूर सर्विस से बोले। अगर याद अच्छी नहीं है, खुशी नहीं ठहरती है, तो इसका मतलब सर्विस अपने समझ में कर रहे हैं कि हम बहुत सर्विस कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ डिस सर्विस भी कर रहे हैं। और धारणा के हिसाब से अगर देखा जाए तो एडवांस मुकाबले बेसिक वालों में धारणाएं जास्ती है, और बेसिक वालों में जो टीचर्स हैं जो काय काय करके टेलीविजन में भी सुनाते हैं बहुत कुछ, उनके मुकाबले जो दुनिया भी सन्यासी है उनमें धारणाएं जास्ती देखने में आ रही है। तो धारणा भी कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज क्या हुई फिर? याद। चलो।